गाइस हम लोग बैठे हैं अभी बर्गर किंग में, कुछ खा पी रहे हैं और मिथिलेश भाई अपने साथ ही हैं। हाय एवरीवन, ये सुभाष है, सब लोग जानती हैं। और बाकी अभी जो बातें हैं, अभी हम आपको सड़क पे मिलेंगे, आपको मेन स्ट्रीट पे। तो अभी कुछ खा पी लें थोड़ा सा यार, डिस्टर्ब मत करो खाने पीने के टाइम पे, ठीक है? शेयर खास करके अभी डिस्टर्ब मत करना, आप लोगों के बारे में ही बात हो रही है इस पे डिस्कस। तो सोच रहे हैं आपके लिए क्या चीज हम बात बताएंगे आपको। और भाई का जो चैनल है मिथिलेश बैकपैकर, आप लोग चेक कर सकते हो, वो तो आपको देंगे हम लिंक डिस्क्रिप्शन में। लेकिन खास तौर पे याद रखना कि ढंग से वीडियो देखना, फिर इनके बारे में आज जो राज खोलेंगे ना, वो आगे देखते रहो, राज खोलेंगे धीरे धीरे, कोई तो रोक लो। ये देखो मुंह छुपा रहे हैं, कोई तो रोक लो। हाँ छुपा लो मुंह छुपा लो। हम लोग है रशिया में, हमारे इंडियन सॉन्ग सुन के वो भी स्पीड पे। सो गाइस कैसे आप सब लोग, मिथिलेश बैकपैकर हमारे साथ है मॉस्को में, इंडिया से सीधे मॉस्को। मैं एंजॉय कर रहा हूँ, थैंक्स आकाश को स्पेशल टाइम निकाल गए, और मैंने उनको रात को मतलब कल परसों मैसेज किया, फाइनली उनको टाइम मिला, हम लोग मिले। अरे अपने भाई लोगों के लिए टाइम, और उन्होंने अपने फ्रेंड को भी लेके आया साथ में, ये रे विनीत को और पीछे सुभाष। मजा आ गया, इनके ब्लॉग जरूर देखिए, और मेरे तो ब्लॉग देखेंगे मेरे चैनल पे ही है। तो भी मगर मेरे चैनल पे जितने लोग हैं ना, इनके चैनल पे आकाश के जरूर चाहिए, स्पेशल थैंक्स टू आकाश। हम दो ब्लॉगर एक साथ ब्लॉग कर रहे हैं मॉस्को के अंदर, मैं मॉस्को में, कैमरा दोनों एंगल चालू है, आपको वीडियो आएगी तो दोनों एंगल, बिहाइंड द कैमरा, अगर आप लोगों को बिहाइंड द कैमरा चाहिए तो ये है, मिथिलेश कैसे वीडियो बनाता है सब कुछ, और हम कैसे वीडियो बनाते हैं मिथिलेश के चैनल पे। तो दोनों के एक दूसरे के उस पे मिलेगा आपको लिंक। और वनीत भैया तो अपने हियाज ने रॉक कर दिया, रॉक यार एकदम फाड़ दिया एकदम, सच में ये भाई लोगों का कॉन्फिडेंस था, तो ये आप लोगों का सच में, चलो गा लेते हैं यार। और गाना जो सुना है रशियन लोगों को, रशियन लोग डांस कर रहे हैं, रूह का परिंदा फड़फड़ाए। सो गाइस ये हम चाह रहे हैं, अरे ये है लेनिन, इसका नाम क्या है, ये स्टालिन, स्टालिन स्टालिन, ये चिंग रिंग चिंग पिंग चाइनीज प्रेसिडेंट है, रिंग चिंग पिंग नाम है इनका, और ये तो है डोनाल्ड ट्रंप। सो गाइस ये है स्ट्रीट आपकी स्थारी अरबाद, सब लोग जानते होंगे स्थारी अरबाद, मेरे पुराने व्लॉग्स में आ चुके हैं, लेकिन आज का जो व्लॉग है कुछ बहुत ज्यादा। सो गाइस जो अभी जो यहाँ फनी चल रहा है ना सर, बड़ा अमेजिंग चल रहा, ठंड इतनी है कि हमारे हाथ सुन्न हो चुके हैं, लेकिन जो हम लोगों ने वनीत भाई ने रॉक किया, अभी तो मेरा डांस करने का मूड हो गया, वनीत भाई ने जो गाना गाया। हाँ सच, आगे किसी ऐसे म्यूजिक पर डांस करेंगे, आगे चलते फिर देखते हैं। तो भाई मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता था आपसे, ठीक है, कि भाई आप ये पूरा जो कंट्री इधर उधर ट्रेवल करते हो, और आपके जो वीडियोज है ये ज्यादातर वीडियो 18 प्लस है, अच्छा और उसमें लड़कियां बहुत आती हैं, इस फ्यूचर में अगर आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, आपकी कोई वाइफ को या गर्लफ्रेंड है आपकी? गर्लफ्रेंड तो है। अच्छा अब वो कहाँ से है, क्या है, वो नहीं बता सकता। हाँ वो नहीं बताओ, ठीक है, नहीं तो भी पब्लिक हो जाएगी, पब्लिक हो जाएगी। हाँ ना 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 ना, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दिस चैनल मैन। तो अभी क्वेश्चन क्या था कि मतलब मेरा तो सिंपल सा है, जहाँ पे जा रहे हो जो कंटेंट मिल रहा है
वो दिखा रहे हो रियलिस्टिक। अब ये रोड पे घूम रहा, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है ना, आप ना बजटिंग गलत करके चलिए। मेरा सिंपल से रूल है, मैं 10 दिन जा रहा पूरा साल काम किया मेहनत से, मैनेजर की गाली, बॉस की गाली, फिर मेरे बोनस आए उसमें से कटौती करके, जब फ्लाइट टिकट में मैंने 30 से 40 हज़ार खर्चे, मतलब जो भी टिकट अमाउंट रहेगी, तो फिर मैं वहाँ जाके क्यों करूँ। सही बात है, तो फिर मैं अच्छा खासा एक्सपेंस करूंगा ना, मतलब अच्छा खासा, मतलब प्रॉपर प्लानिंग। 2000 रुपये भी रूबल्स अगर लेके चलेंगे पर डे, क्या बोलते विनीत, 2000 रुपल्स यहाँ पे जो नॉर्मल कोई म्यूजियम घूमने वाला है खाना खाएगा घूम नहीं सकता है, 2000 रुपल में पर डे हॉस्टल स्टल छोड़ के रहना, खाना छोड़ के खाली आराम से एकदम राजा लाइफ हो जाएगी। ट्रेन से घूमिए जहाँ मन कर, क्योंकि आप 2000 में भी बच जाएंगे भाई। वही बोल रहा हूँ, 2000 रुपल इंडियन करेंसी में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। मैं बोलता थाईलैंड महंगा है आपको, थाईलैंड आप जाओगे ना 300-400 बात में देना पड़ता है। ये हम हिंदुस्तानियों ने तो बिगाड़ा है। अयाशी करनी है तो 2000 डॉलर भी कम पड़ जाएंगे। हाँ, अयाशी करनी है तो बहुत फिर पैसे का लिमिट नहीं होता। और अगर आपको ऐसा कंटेंट चाहिए तो भैया मिथिलेश के चैनल पे मिलेगा। मैं वो 18 प्लस ओनली, 18 प्लस नहीं, जो रियलिटी है मैं वो दिखा रहा हूँ। अभी सब लोग बोलते हैं 18 प्लस है, मुझे वो नहीं समझ, रियलिटी है जो घूमने जा रहा हूँ बीच में जो कवर कर रहा मैं वो दिखा रहा हूँ अभी, उसमें रियलिटी है कि मतलब 18 प्लस है। मैं तो देखो ये हिम्मत की दात है कि इतनी ठंड है और हम लोग आप लोगों के लिए कंटेंट बना रहे हैं। हम लोग आराम से ना घर में बैठ के भी अपना पार्टी कर सकते थे और वहाँ पे भी आपको समझा सकते थे, लेकिन जो चीज है आपको दिखाना है कि यहाँ कैसा है ये सब जगह। इस भाई को तो हेड्स ऑफ है कि भाई कितने कंट्री घूम चुके, कितने कंट्री घूम चुके अभी तो 7 मतलब हो गए, 10-11 हो गए ब्लॉक के हिसाब से। उससे पहले मैं जाता आता था मगर ब्लॉक बहुत इंपॉर्टेंट थे। मतलब ट्रैवल करना बहुत जरूरी है, लोगों से मिलना, कुछ नए चीजें सीखना ट्रैवल की वजह से ही। मैं आकाश के साथ हूँ आज। थैंक यू सो मच कि आपने मेरा पकड़ा, हाथ में दर्द हो गया था। क्या पकड़ा? कैमरा वो बता दो। क्या पकड़ा? कैमरा वो जरूरी नहीं, कुछ और तो चाहिए आपको। ये कि ट्रैवलिंग करने का ये सब करके किसी को कॉपी किया या क्या? नहीं, कॉपी तो मैंने किसी को किया नहीं। सबसे मेन था कि मतलब लोगों को मैं ट्रैवल, आज आ जाइए विनीत, कि विनीत भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भी ट्रैवल चालू करने वाले तो जरूरी है। अरे इनका चैनल तो आप देख के शौक हो जाओगे, विनीत भैया का इनका मतलब आवाज है ना, वो तो आप देख ही चुके हो कैसा गाते हैं ना, इन्होंने तो आज फाड़ दिया लोगों को एकदम। तो ये मतलब ना लोगों को घूमना मतलब कैसा होता था, सब लोग दिखाते थे। मैं फॉर एग्जाम्पल ताजमहल जा रहा हूँ, ताजमहल है, डिज्नीलैंड जा रहा हूँ, अरे वो तो ठीक है मगर वहाँ पहुँचने का पैसा कौन बताएगा? हाँ ये भी बात है, सही बात। मैं मुंबई एयरपोर्ट पे उतरा, मेरे को गेट ऑफ इंडिया जाने का है, टिकट दिल्ली एयरपोर्ट पे उतरा तो वहाँ से वहाँ कैसे जाने का है? क्योंकि मेरे को सबसे बड़ा क्वेश्चन वही आता था जब मैं ब्लॉग खुद सर्च करता था कहीं कंट्री जाने के लिए, ठीक है मैं एयरपोर्ट पे उतर गया, अभी हॉस्टल जाने का खर्चा कितना होगा, हॉस्टल में रहने का खर्चा कितना होगा? आपने बता दिया डिज्नीलैंड का टिकट है 3000, डिज्नीलैंड पूरा घूमे, मगर डिज्नीलैंड में खाने पीने का कितना खर्चा होगा? सही में तो ये बेसिक कोई रूट नहीं दिखाता था। ट्रैवल ब्लॉग का जो मतलब है बेसिकली ये है कि जो इन्फॉर्मेशन हमें कभी कोई नहीं बता पाया वो हम लोगों को बता पाएं, वो लोगों को अपने जरिए बता पाएं, कि ताकि उनको गूगल पर सर्च मारने पर वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी जो हमारे देसी तरीके से मिलेगी, जो हम भाई लोगों, हम अपने भाई लोगों को दे सकते हैं अपने तरीके से, जो खुद उस चीज़ को सफ़र करके, चाहे हमें थोड़ी तंगी होती है लोगों को पूछने में ये वो, पर हम आगे अच्छे तरीके से बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं। ट्रैवल का मतलब ये है कि नहीं कि हम आज घूम रहे हैं इधर उधर एंजॉय कर रहे हैं, नहीं, हमारा मकसद मेन यही है कि आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाई जाए। सही सी बात है, क्योंकि आप ब्रेकफास्ट करते हो ना हॉस्टल में, ब्रेकफास्ट रहता है इंक्लूडेड, उससे कुछ चार्ज नहीं लगते, ब्रेड रहता है, मिल्क रहता है, अंडे रहते हैं, सब चीज़ तो रहता है, एक टाइम पे खा लिया। दोपहर के टाइम पे लंच कर लीजिए 200-300 मैकडी में, रात को कर लीजिए, कितना गए 600 रुपये, उसके बाद हॉस्टल में रुके हो, आराम से घूमिए 1000-1500 में आराम से जाए, क्यों टेंशन लेना, घूमने आए हो ना 6 दिन क्यों वेस्ट करना, अपना टाइम वेस्ट मत करो सड़कों पे खड़े रह के हिचहाइकिंग में। नहीं मैं ये तो बोलूंगा कि सबके वीडियो देखिए जितने भी है, मगर लर्निंग आपको मेरे वीडियो देखिए, आकाश की वीडियो देखिए, जितने भी जन ट्रैवल करते हैं हर एक का वीडियो देखा, मैं भी देखता हूँ, आप हमारे मिलते आइडियाज ले सकते हो, सबके चैनल देखिए, सबसे कुछ ना कुछ सीखने मिलेगा। मेरे भी बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स है कि मतलब मैं पीता हूँ ये वो, बहुत जन को लगता रहेगा 18 प्लस कंटेंट है, ये मेरा लाइफ है, जो लोग वो ट्रैवल कर रहे हैं उनका लाइफ है, तो सब में से आप धीरे धीरे स्टाइल है उनका, वो दिखा रहे हैं सिर्फ कैमरे के सामने, वो दिखा रहे हैं भाई जो है रियलिटी अपने कैमरे के सामने दिखा दी। कुछ लोग हैं जो आपको दिखा कुछ रहे हैं और वो शायद कैमरे बंद होने के बाद कुछ और लाइफ है, ठीक है। बहुत लोग ऐसे हैं जो दिखाते कुछ है और बाद में उनकी लाइफ कुछ और होती है। हम लोग जो हैं वो ही आपके सामने हैं, आप रियल में मिलोगे हम भी वही हैं। बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं जो मेरे से यहाँ मॉस्को में मिले हैं, तो वो लोग खुद ही बोलते हैं, और चाहो तो मैं उनका इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वो लोग जानते हैं यार जो जो मेरे वीडियोस में जहाँ तक अभी तक आए हैं। क्योंकि आप रियल हो तो ही चलोगे, कितना फेक बनोगे आप, जो मैं हूँ वही हूँ, जुड़ा हूँ जमीन से तो जमीन से रहने वाला हूँ, क्लबिंग से लेके, क्योंकि इंसान सीखता ही है, मेरे को भी नहीं आता था, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ें स्टार्टिंग में होता है। अभी आप जाओगे चाइना डायरेक्टली आपको दे देंगे, क्या बोलते हैं उसमें, क्या बोलते हैं यार, दूध निकालना,
दूध निकाल क्या? अरे वो फोक खाते ना उसको क्या बोलते हैं, मैं भूल गया, जापान में चॉपस्टिक। आपको चॉपस्टिक हाथ में देने का, आप खा पाओगे? चॉपस्टिक से चावल भी खाने पड़े। हाँ, चावल भी खाने पड़ते हैं उन लोगों को। तो वो आप खा पाओगे नहीं, जब आप जाओगे एक दो बार तीन बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। तो कोई भी चीजें मतलब शर्माइए मत, शाइनेस रहता है फर्स्ट टाइम पे, बस सेकंड थर्ड टाइम पे बाद में आप एक्सपर्ट हो जाते। कोई आएगा तो आप उसको भी बोलोगे चाइना ऐसा नहीं, ऐसा खाया जाता है। अभी उसको लेके आओगे आप इंडिया में, वड़ा पाव दे दो, वड़ा का पाव काटो मत, पाव कैसे खाएगा वो नहीं मालूम पड़ेगा। सही बात है। मसाला डोसा, डोसा चटनी इडली खा, अपन बोले ना खा दिखा, इतना बोल रहा था, इतना ये आता है वो आता है। तो हर एक चीज़ है, हर एक चीज़ कल्चर डिफरेंस है। तो लर्निंग आपके लिए ऊपर है कि मतलब लर्न कीजिए, शर्माइए मत, हर एक का वीडियो देखिए, कुछ लर्न करके और वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए अगर आपको अच्छी लगी तो। हमारा सर का प्रवचन, हमारा लाइव प्रवचन है एकदम, लेकिन ये प्रवचन वो है जो उन्होंने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से आपको शेयर किया है, और हम लोग वही चीज है जो हम आपके साथ शेयर करें जो हमारे लाइफ के। आकाश, उन्होंने टाइम निकाला और आया और आए और मुझको बताए, क्योंकि और आए भी कहाँ पे, मेरे बिल्डिंग के नीचे ही, मतलब हॉस्टल के प्रॉपरली। अभी भी हाथ कांप रहा है उनका भी यार, ठंड भी हो रही है, एक तो हाथ सुन रहा है, फिर दर्द हो जाता है, इतनी देर उठा उठा कैमरा पकड़ लेता, कुछ और नहीं कैमरा ही पकड़ता हूँ, वो कई बार निकल जाता है। ये देखो बिल्डिंग की। अच्छा चलो, बहुत सारे क्वेश्चन तो मेरे हो गए। भाभी से कब मिले? हाँ, भाभी से 2 साल पहले 2015 3 जनवरी को मिले। ओ, डेट याद रखे, ज्यादा स्टोरी नहीं बता रहा क्योंकि वो तो कंटेंट मैंने लोगों को बता रखा है, 1 लाख सब्सक्राइबर के बाद होगा। ठीक है चलेगा, मगर डेट याद रखे कि भाभी मारेगी नहीं तो बोली। और पता है कई बार एनिवर्सरी भूल जाता हूँ अपनी, 2 साल एनिवर्सरी हो चुकी है लेकिन थर्ड एनिवर्सरी। अच्छा, मैं रशियन वाइफ भी झाड़ू से मारते हैं कभी कभी गुस्से में, एंगर इंगर से नहीं, इंडिया ये टॉप सीक्रेट है, मैं क्यों बताऊँ ये बताने का नहीं सबका। ये तो ठीक है, जब घर पे जाएंगे तो देख लेंगे झाड़ू सामने रखे है कि एंगर रखे है, क्या रखा है मालूम पड़ेगा। क्या विनीत, सभी बातें पब्लिक में नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली रशियन ना बेलन यूज करती है, जो हम यूज करते हैं, इसका 18 प्लस कंटेंट हो जाएगा। और नहीं नहीं, मार धार जो है चैनल पे अलाउड नहीं है, वो आपको पता है। वॉयलेंस अलाउड नहीं है एक्चुअली। ठीक है चलेगा चलेगा, जो सुसु करके आते हैं। चलो सो गाइस, ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड। जितने भी बिहाइंड द कैमरा कई सारी चीज़ें हमने बहुत अच्छी अच्छी बातें करी हैं जो सिर्फ मिथिलेश के चैनल पे है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उसके चैनल पे देखोगे तो ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि ज़्यादा मैं अपने इसी पे चैनल पे हम लोग शेयर करते रहेंगे तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाओगे। तो हम बोर भी नहीं करना चाहते, हमारे ब्लॉग्स में आपको मस्ती भी मिलेगी और कुछ ज्ञान भी मिलेगा, ज्ञान की बातें हम लोगों के साथ। ज्ञान की बातें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रैवल ज्ञान, ज्ञान मस्ती मजे, लाइफ को एंजॉय कीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते निभाते काम भी कीजिए, एंजॉय भी कीजिए। खाली काम करने से कुछ नहीं होगा, खाली एंजॉय करने से कुछ नहीं होगा, दोनों साथ में मेंटेन कीजिए, लाइफ एंजॉय कीजिए। और हम लोग का चैनल मतलब वीडियोस भी जो भी थे, मतलब हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन दिया, अभी ये आपके ऊपर है, कुछ अच्छा लगा कुछ नेगेटिव लगा, एंजॉय कीजिए, किसी को पर्सनली कुछ नहीं था, एंजॉय हमारा मोटिव ये था कि मतलब जो रियलिटी है वो दिखाना, वो दिखा और कुछ नहीं, किसी को हर्ट करने की कुछ फीलिंग नहीं थी। अगर किसी को हर्ट हुआ या कोई सब्सक्राइबर सॉरी बुरा लगा तो वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, आवर इंटेंशन इज नॉट लाइक दैट। और फिर हमें प्यार बांटते रहिए, आकाश के चैनल और ग्रो कीजिए जितना हो सके, और सुपर फैमिली है उनकी, भाभी लेना और डॉटर है ना, सन है, बेटा सन है, सही है। फिर अभी बहुत सारी चीजें हम मेरे चैनल पे भी आई है, और प्लस मैं भाई की वीडियो भी एंड में दूंगा, एंडिंग जो वीडियो होती है उसमें भी भाई की वीडियो दूंगा, और वनीत भैया की भी आई बटन में और एंडिंग में दूंगा, ठीक है। दोनों के चैनल डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे और दोनों के चैनल एंड में जो एंडिंग वीडियो उसमें मिलेगी, तो एंड तक वीडियो देखो, मजे से लो, जहाँ रहो वहाँ रहो, जहाँ भी रहो जिंदाबाद रहो, भारत माता की जय। हिंद, भारत माता की जय। दस्विदान यार।